दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। एक नया पार्सल आया है, देखिए क्या लिखा है इस पे। पढ़ सकते होंगे आप लोग भी। इस पे लिखा हुआ है राइडिंग जैकेट, ऑल एक्सट्रीम की है। ये वाला प्रोडक्ट का मैं रिव्यू देख रहा था यूट्यूब पे, कहीं नहीं था। ये एक राइडिंग पैंट है, ये अमेज़ॉन से मैंने ली है, 4,300 के आसपास की पड़ी हुई है। तो इसको मैं दिखाता हूँ कैसा है, आप लोगों के लिए भी हेल्प हो जाएगी कि लेना है कि नहीं लेना है। इसको मैं ओपन कर चुका था, आपको दिखाता हूँ। ऐसे पैकेजिंग है, सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। और ये कुछ ऐसी पैंट है इसमें, ये देखिए आगे से ऐसी है। और ये पूरा आर होगा, पूरा देख सकते हो आप, ठीक है। और पीछे से कुछ ऐसी है। बजट फ्रेंडली है इसलिए मैंने इसको ऑप्ट किया। मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं कैसा होगा। लेकिन इसमें थोड़े प्रोज और कॉन्स भी है, वो मैं आपको भी बताऊंगा। इसमें पहले तो यहाँ देखिए, ये जो है, ये बटन्स जो हैं, ये बटन जो हैं हुक वाले हैं। नॉर्मल बटन्स नहीं होते, जो टैक एंड प्ले वाले बटन्स होते हैं, टैक कर दो, ये हुक हैं। तो इसमें क्या दिक्कत होती है, कभी कभी ये निकल जाता है, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा। तो ये उतना टैक्टाइल नहीं लगा। बाकी ये चेन है, उसके बाद ये वेस्ट एडजस्टर भी आपको मिलता है कि आप वेस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। इसको पूरा ऐसे टाइट कर लिया और ऐसे लूज कर लिया। पॉकेट्स हैं, दो पॉकेट्स हैं विद चेन, ठीक। और फिर यहाँ पे एक थाई पैड मिलता है, ये प्रोटेक्शन दोनों साइड है, इस साइड भी और इस साइड ही, राइट लेफ्ट दोनों साइड है, थाई पैड है ये जो पैड। और इसमें नीगार्ड भी हैं, यहाँ पे ये नीगार्ड है एक और एक ये है, दो नीगार्ड्स मिलते हैं। दिक्कत क्या है, ये सी सर्टिफाइड नहीं है, ये सिंपल फोम वाले हैं। तो आप देख सकते हो, सी लेना है तो सी में ज़्यादा प्रोटेक्शन रहती है, इसमें थोड़ी कम मिलेगी। बाकी नीचे आ जाए तो ये देखिए, यहाँ पे वेलक्रो है, ऐसे ये वेलक्रो हट जाएगा और ये पूरी पैंट यहाँ हाफ तक स्लिट हो जाएगी। ये चीज़ अच्छा है जिसको बूट्स वगैरह पहनने, मिड लेंथ होते हैं, लॉन्ग लेंथ होते हैं, फिर सिंपल बूट्स होते हैं, वो आ सकते हैं। ये चेन हो जाएगी, बाकी मैं आपको अभी पहन के दिखाता हूँ कैसी लग रही है, उसके बाद मैं आपको गार्ड निकाल के दिखाऊंगा। जनरली मैं किसी लोअर पे ही पहनूंगा, क्योंकि नहीं पहनो तो क्या होता है, उसमें थोड़ा सा लगता है स्किन पे। तो मैं जनरली लोअर पहन के ही पहनता हूँ राइडिंग गियर्स, तो वो कंफर्टेबल रहता है। चेन ये हो गई, ये आपकी चेन है, यहाँ पे आराम से फ़ोन ऑन कीज कुछ भी रख सकते हो। बैक पे कोई चेन नहीं है, बैक सिंपल ऐसा दिखेगा। और ये साथ में लूप्स भी हैं, आप बेल्ट भी अलग से लगाना चाहो तो लगा सकते हो इनमें, ठीक है। ये कुछ है और ये नी गार्ड आ रहा है। नी में बस मुझे एक इशू ये लग रहा है कि जब मैं बैठ रहा हूँ बाइक पे, तो ये जो कैप होता है, कप होता है नी का, ये यहाँ आना चाहिए, बट मेरे यहाँ पर आ रहा है इस जगह पे, ये पोर्शन पे, यहाँ पे आना चाहिए। मुझे तो एक्सेल साइज है और मेरा फिट भी आ रहा है, ऐसा नहीं आ रहा। ऐसा क्यों है? ये देखिए, ये जब मैं ऐसे पैर कर रहा हूँ तो यहाँ पे बहुत प्रेशर पड़ रहा है। ये कट है यहाँ का, ये वाला, इसको कट को यहाँ होना चाहिए, इससे परफेक्टली फिट है, बट वो नहीं है। ये देखिए ना, देख रहे हैं उठ रहा है, ये चीज यहाँ इन्हें लगी होना चाहिए, तो शायद दिख जाए इसमें ये चीज उठ रही है, ऐसे आ रही है, ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, ये चीज ऐसे बैठी होनी चाहिए थी। अब ये होती तब जब ये पैंट थोड़ी नीचे होती यहाँ पर, तो ये ऐसे यहाँ पर बैठ जाती। ये देखिए परफेक्टली बैठ रही है, तो वो चीज़ नहीं, ये ऊपर आ रही है थोड़ी। और ये फोम भी जो है आपका सी सर्टिफाइड नहीं है, अभी मैं इसको उतार के दिखा देता हूँ आपको। ये ऐसे बंद हो जाएगा, टाइट कर सकते हो। ऑल एक्सट्रीम की है, जैसा कि देख सकते हो ये लुक है पूरा, देखिए ये देखिए, इस साइड पे ये है, ये थाई पैड है, इसको निकाल के ये देखिए, सिंपल फोम है, कुछ नहीं है, मतलब हार्ड ऐसा नहीं है जैसा सी वाला होता है, सिंपल फोम। यही सेम मटेरियल नी में भी है, नी का भी मैं आपको निकाल के दिखाई देता हूँ। लगाने में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट मैं दिखा रहा हूँ। तो थोड़ा लाइक शेयर कर दीजिए वीडियो को और चैनल को भी। ये देखिए, ये है नी गार्ड, ऐसा है, यही सेम ऐसे ही सी का भी होता है, वो थोड़ा हार्ड होता है और कंफर्टेबल होता है पहनने में, प्रोटेक्शन ज़्यादा होती है, ये फोम वाला है। तो इसी वजह से मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ कि भाई अब ले रहे हैं तो अच्छा लो, तो इसका क्या मतलब है भाई, 5,000 तक का खर्चा भी कर रहे हैं फिर ये फोम ले रहे हैं।
तो बस ये, लेकिन हाँ पॉकेट्स हैं, आप अलग से लेना चाहो ले सकते हो, अगर जिसको पैंट पसंद आ रही है, जैसे मुझे पैंट पसंद आ रही है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ जो ये अलग से 500-600 रुपए के जो भी आते हैं नी गार्ड, ये तो फोम रहता है ऊपर, थाई वाला फोम है वो सही है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा, उसकी नीड भी नहीं है सी सर्टिफाइड नी, लेकिन सी सर्टिफाइड होना चाहिए, तो मैं सोच रहा हूँ अलग से नी वाले लेके इसमें फिट कर लूँगा। बस ये है कि थोड़ा साइज़ का इशू आ रहा है, जो इसका पॉकेट है वो ऐसे, मैं दिखाता हूँ, ये जो था नी गार्ड इस पैंट को पहनने के बाद वो ऐसे आ रहा है, ऐसे बंद रहा है, ये चीज़ ये कट जो है यहाँ आ रहा है ये, लेकिन जबकि इसको ऐसे होना चाहिए था, ये नीचे इतना होना चाहिए था और ये ऐसे आ रहा है, तो ये भी उठ रहा है इधर से, बस ये इशू आ रहा है। तो फिलहाल यही है, देखते हैं अभी इसका क्या हो सकता है, अगर लार्ज में ये एक्सेल साइज है, दिखा सकता हूँ आपको, ये देखिए एक्सेल साइज है ये, बाकी अगर लार्ज तो आएगा ही नहीं, डबल एक्सेल लेंगे तो मुझे लग रहा है ये ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा, फिर वो नीचे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। चलिए देखते हैं, बाकी ये है ऑल एक्सट्रीम की राइडिंग पैंट्स, देख सकते हैं आप लुक, पीछे रिफ्लेक्टर्स भी हैं यहाँ पे, ये भी रिफ्लेक्ट करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है, और ये पूरी एक लाइन जो है ये रिफ्लेक्टिव है, और ये ऑल एक्सट्रीम का बैच रिफ्लेक्टिव है, तो आप देख सकते हो। हाँ तो गाइस ये देखिए, ये मेरी एक दूसरा आइटम है राइडिंग गियर में, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है राइनॉक्स की जैकेट, इसको मेरा लेने का रीज़न ये था, ये मुझे कुछ 5,000 के आसपास पड़ी थी, बाकी और भी हैं, मैंने इससे पहले HRX ही मंगवाई थी, वो मुझे अच्छी लगी थी, इससे भी बढ़िया लग रही थी, लेकिन उसको मैंने वापस कर दिया था कुछ रीजंस की वजह से, और मतलब उसमें थोड़ा ब्राइट कलर्स थे, वो दिख नहीं रहा था अच्छा, आ नहीं रहा था, तो इस वजह से ये पूरी ब्लैक थी, ऑल ब्लैक अच्छा लग रहा था। इसमें देखिए डबल चेन है दोनों साइड पर, ठीक है, मेन क्या था इसमें, इसमें दोनों आगे चेस्ट गार्ड है, चेस्ट पाउच है, हालांकि इसमें नॉर्मल फोम पड़े हुए हैं, मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए ये है चेस्ट गार्ड, ठीक है, ये फोम वाला है, सिंपल फोम है, ये देखिए निकाल के दिखा देता हूँ, ये देखिए ये सिंपल फोम है, बट एटलीस्ट इसमें पाउच दे रखा है, बस इसी वजह से मैंने HRX की वापस करी थी, उसमें ये पाउच नहीं था, कि इन फ्यूचर मुझे अपग्रेड करना हो तो मैं CE सर्टिफाइड लेके, CE सर्टिफाइड का CE लेवल 2 वो मैं अपग्रेड कर सकता हूँ इसमें, तो इस वजह से, इस रीज़न की वजह से मैंने वापस कर दिया था। इसको लगाना भी बहुत ईजी है, मैंने इसको एक बार वॉश भी कराऊँ निकाल के सारे गार्ड्स, और ये दो इधर चेस्ट गार्ड हो गए, दो शोल्डर गार्ड हो गए दोनों साइड, ठीक है, ये भी ये दोनों CE सर्टिफाइड 2 हैं, और इधर एल्बो गार्ड हो गए ये दोनों, ये भी CE सर्टिफाइड 2 है, और फिर ये पीछे है ये बैकबोन वाला जो होता है आपका बैक कवर, ये भी CE सर्टिफाइड 2 है, और इसमें नीचे पे, नीचे देखिए वेस्ट एडजस्टर है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हो ऐसे टाइट और लूज कर सकते हो, और इसके एक और पॉकेट है जो यहाँ पे हाथ में है, लेफ्ट हैंड में, आप इसमें क्रेडिट कार्ड कीज़ वगैरह कुछ भी छोटा सा सामान रख सकते हो, तो ये बहुत अच्छा यूटिलिटी मुझे लगी। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ सीस के और उसमें फोम में क्या अंतर होता है, ये देखिए ये है CE लेवल 2 सर्टिफाइड गार्ड्स, सीरोस के हैं ये, ठीक है, और आपको मैं दिखा देता हूँ इसमें फ़र्क क्या होता है, ये देखिए कितना सॉफ्ट है, ये देखिए एकदम मुड़ गया, ठीक है एकदम मुड़ गया, लेकिन जब आप ये देखोगे इम्पैक्ट, ये देखिए इम्पैक्ट होने पे बिल्कुल हार्ड हो जाता है, ये खासियत होती है CE की, फोम और CE में यही डिफरेंस होता है, जो ये फोम है मैं आपको भी दिखा देता हूँ, एक मैं अपने पैंट में जो फोम था वो मैं दिखाता हूँ एक मिनट, ये देखिए ये फोम है और ये है CE गार्ड, ठीक है, फोम और CE में अंतर क्या है, देखो ये भी सॉफ्ट है ऐसे, ठीक है, और ये भी सॉफ्ट है, बट जब हम इम्पैक्ट करेंगे, ये देखो नीचे आओ, ये देखो इसकी आवाज़ सुनो, और ये हार्ड हो जाता है एकदम, जैसे ही इम्पैक्ट पड़ेगा एकदम हार्ड हो जाएगा, तो जो हमारी बोन्स हैं वो प्रोटेक्ट हो जाती हैं इसमें कुछ हद तक, तो ये फ़ायदा होता है CE गार्ड लेने का लेवल 2, बस यही है। बाकी मैंने बूट्स भी लिए हैं, बूट्स भी आपको दिखा देता हूँ, ये हैं ईगो इटली के मैंने मंगवाए थे अमेज़ोन से, और कुछ ये हैं वैसे बूट्स हैं, ये देखिए ये इसलिए मैंने मंगवाए, इनका प्राइस मुझे लग रहा है शायद 1700 का पड़ा था, काफ़ी रीज़नेबल थे, बजट में थे, अच्छे शूज़ हैं, बूट्स हैं पूरा, ये एंकल सब मेरा कवर कर लेता है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, और ये इसमें वेलक्रो है, और उसके बाद यहाँ पर चेन भी है,
ठीक है, ये देखिए ये चेन हो गई। ऐसे हम उतारेंगे, सिंपल हमने पहन लिया, ठीक है। उसके बाद ये चेन से करके वेलक्रो अटैच कर लिया। ये देखिए ये पूरा कवर हो जा रहा है, जो यहाँ एंकल बोन है वो भी पूरा कवर हो गया, और नीचे अच्छी ग्रिप भी है, स्लिप नहीं होता है। खैर यहाँ तो स्लिप होगा, टारमैक में नहीं स्लिप होगा। तो ये है, तो पूरा सेट हो गया है। ये हो गया 1800 का, ये हो गया 4300, वो हो गया 5000। मेरे पूरा राइडिंग जैकेट का गियर सेट है, बाकी आप लोग बताना कैसा लगा। और ये प्रोडक्ट्स हैं अच्छे, बस मुझे पैंट में थोड़ा डाउट है, उसका मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। अगर मुझे मन हुआ तो मैं इसमें गार्ड लगवा लूँगा अलग से, नहीं तो फिर कोई और पैंट देखता हूँ। यही है, मिलते हैं आगे आपसे।